गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मुकेश शर्मा फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल खेड़ा। चिल्ड्रन, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश क्लासेस यूनिट टू, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ इन यू मास्टर। हाउ द डॉग फाउंड, कैसे कुत्ते ने पाया हिमसेल्फ अपने आप में इन यू मास्टर, एक नया मास्टर। मालिक, कुत्ते ने स्वयं नया मालिक कैसे खोजा। कुत्ते ने स्वयं नया मालिक कैसे खोजा। यू मे नो दैट द डॉग, आप जानते हो कि कुत्ता जो होता है एंड द डॉग आर क्लोजली रिलेटेड। कुत्ता भेड़िया एक दूसरे से नजदीकी संबंध रखते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरी human beings as domesticated and tame-filled animals। शायद आपको यह भी पता है कई शताब्दियों से मानव ने जंगली जानवरों को पालतू बनाया है। Here is a story about how the dog became a tame animal। यहाँ एक कहानी बताई जा रही है कि कुत्ता जो है किस प्रकार पालतू बना। Dogs were Once their own master, कुत्ते जो होते थे वे अपने स्वयं के मालिक होते थे। O W N own master, own का मतलब है स्वयं के। Master means मालिक हुआ करते थे and left the way balls do, और उसी प्रकार रहा करते थे जिस प्रकार भेड़िया रहते थे। In freedom, एकदम आजादी से। भेड़ियों की तरह एकदम आजादी से कुत्ता जो है अपना स्वयं का मालिक होता था और वह भेड़िए की तरह एकदम आजादी से रहता था। Until a dog was born, जब तक एक कुत्ते का जन्म नहीं हुआ। Who was pleased with this way of life, जो वह कुत्ता जिसका जन्म नहीं हुआ वह कुत्ता कैसा था, जो एक जीवन के इस ढंग से नाखुश था, अप्रसन्न था। अब एक ऐसे कुत्ते का जन्म हुआ है जो अपने जीवन का जो ढंग है उससे अप्रसन्न है। He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He was sick, वह एक तो बीमार है and tired of wandering about by himself looking for food, और भोजन की तलाश में वो बिल्कुल थक चुका है। tired means थक चुका है। looking for food, भोजन की तलाश में, and being frightened, और लड़ते लड़ते of those who were stronger than he, और जो उससे ताकत पाए उनसे लड़ते लड़ते वो थक गया है। एक ऐसा कुत्ता है। ही थॉट, उसने सोचा, उस डॉग ने क्या सोचा, इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। उसने सोचा कि मुझे किसी ऐसे मालिक का नौकर बनना चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर है। सबसे अधिक ताकतवर का मुझे नौकर बन करके रहना चाहिए। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और उसने ऐसा ही एक मालिक की खोज की। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड एंड मेट ए किंसमैन ऑफ हिज, ए बिग बॉल हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फिट। वह चलता गया, ही वॉक, वह चलता गया, एंड ही वॉक, और वह चलता गया, एंड मेड ए किंसमैन ऑफ हिज, ए बिग बॉल हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फिट। और अपने एक रिश्तेदार से मिला, एक बड़े भेड़िए से जो जितना बलवान था उतना ही भयंकर भी था। भेड़िए को उसका ही रिश्तेदार बताया है इसमें। ही वॉक एंड वॉक, वह चलता ही गया,
एंड मेड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच, और इंस्ट्रूमेंट के अपने रिश्तेदार से, उसके एक रिश्तेदार से मिला, उस रिश्तेदार की खूबी बताई गई है, उसमें विशेषता बताई गई है, एक बिग बॉल, एक बड़ा भेड़िया था, वह इतना ताकतवर था जितना वो भयंकर भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, भेड़िए ने पूछा, आज बहुत पास भेड़िए ने पूछा, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं किसी के यहाँ सर्विस करने के लिए जा रहा हूँ, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूं। आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ टू टेक अप सर्विस विद, उसके साथ सर्विस करने के लिए। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर बॉल, क्या आप मेरे मालिक बनोगे? वीडियो से पूछा कि क्या आप मेरा मालिक बनना पसंद करोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, वीडियो का मुझे नहीं लगता कि क्यों नहीं, बॉल वीडियो का मुझे नहीं लगता क्यों नहीं, अर्थात मैं बन सकता हूँ मालिक। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और जो एक दूसरे से सहमत हो गए, दैट टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दैट टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और इस सहमति से दोनों इकट्ठे चल पड़े। दे वॉक एंड दे वॉक, वे चलते ही गए, एंड आउट ऑफ ए सडन द वॉच लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड That is quickly off the first and into the bushes and crept deeper into the forest. वे चलते ही गए और अचानक भेड़िए ने अपनी नाक उठाई, lifted his nose को कहते हैं नाक उठाई, sniffed माने सूंघा, that is quickly off the path, और रास्ते से दूर हट गया, तेजी के साथ दफ़त रास्ते से, एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में अंदर चला गया, एंड क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में अंदर घुस गया, क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में अंदर घुस गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज, अब कुत्ता आश्चर्यचकित था, व्हाट कम ओवर यू मास्टर, कुत्ते ने पूछा मालिक आपको क्या हो गया है, व्हाट कम ओवर यू मास्टर, ही आश्चर्य से कहा, व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, आप इतना क्यों डर रहे हैं, आपको किस चीज ने डरा दिया है, व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, कांट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, देयर बियर आउट देयर, वहां एक बीच है, भालू है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वह हम दोनों से क्या शक्तिशाली है, यू एंड मी, तुम और मुझसे, और दोनों को वो इतना शक्तिशाली है कि वो हमें खा सकता है, एंड ही माइट ईट का मतलब खा सकता है अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी।